भाई यार बिग हेड गेम थी, दो वीडियो पहले भी डाली थी, एक में डिफेट हुआ था, दूसरे में बुइया शेक की पिछले उसके पिछले वाले में 5 किल, उस वाले में पता नहीं। वही यार लोग तो बहुत करते हैं, दिल चोरी हो जाता है। भाई यार लाइक जिसने भी इस वीडियो को भी पूरा देखा नहीं है तो प्लीज यार लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और उनको देखते ही ये राशन लेने वाले लोग उनकी तरफ से बढ़ते हैं और उनकी तरह की बात दिशा में भी नजर आती है। एक्सामेट तो बहुत अच्छी हो गई। पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन बन गई है कि अगर कोरोना से बच जाए तो भूख मार देगी। घरों में फाके आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक तो हुकूमत ने किसी को इमदाद नहीं दिया और किसी गरीब को किसी को भी हमारे घर में या किसी को भी कुछ इमदाद नहीं दिया। देखो ये कब होता है, सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर रहे हैं। आज वहाँ हालात देखें, आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौन से माफी मांगी है और माफी ये मांगी है कि मैं हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया। मुझे ऐसा पाकिस्तान में कहा नरेंद्र मोदी ने बाकी माफी मांगी कि उन्होंने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया था, ये कहा कि नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी कि आवाम को तकलीफ हो रही है, मगर कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। एक अरब 30 करोड़ आवाम की जो हिफाजत है उसके लिए दुनिया भी इसी किस्म के इकदाम कर रही है जैसे इकदाम किए गए। एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी आवाम से झूठ बोलता है, दूसरी तरफ उसी देश के लोग हिंदुस्तान की जनता को सलाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने लोगों को चीन में छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने ना सिर्फ लोगों को निकाला बल्कि दूसरे देशों के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। ऐसे ही एक रूप में जब भारतीय विमान पाकिस्तान एयर स्पेस से गुजरा तो पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी उनकी तारीफ करने लगा। पाकिस्तान एटीसी और इंडियन पायलट के बीच जो बातचीत हुई वो सुनकर आपको भारतीय होने पर और भी ज्यादा गर्व होगा। अस्सलाम वालेकुम, रांची कंट्रोल एयर इंडिया के रिलीज फ्लाइट का स्वागत करता है, धन्यवाद। ऐसी महामारी के बीच आप फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, हमें आप पर गर्व है, और थैंक यू सो मच। ये बातचीत साफ बता रही है कि कैसे पाकिस्तानी आवाम भारत को देख रही है, वहीं इमरान खान को खुद नहीं पता कि आखिर करना क्या है। एक तरफ को कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर खुद ही कहने लगते हैं कि लॉकडाउन रास्ता है। जिस मुल्क का वजीर आजम कंफ्यूज होगा तो वहां की आवाम का क्या हाल होगा वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान में बार बार अपील की गई कि जुमे की नमाज के लिए घरों से ना निकले, लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से निकले। जब पुलिस उनको रोकने पहुंची तो उन पर ही हमला कर दिया। देखिए कैसे जीप से पुलिस वाले मार रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ये वही मदीना की रियासत है जैसा आप इमरान खान दिखाते हैं। जब मजहब का राजनीति में इस्तेमाल होता है तो ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक
Sim Corp Figueira Herbal Shampoo and Herbal Hair Oil for healthy long and strong hair. Sweetie Subari, Masti Bhara and Sars, Fortune, Chakki Fresh Aga, Soft Tooth. एक कोरोना काल खत्म हो जाएगा तब हर किसी को हिसाब देना होगा उन हजारों लोगों की मौत का हिसाब देना होगा जो कुछ लालची लोगों की नासमझी की भेंट चढ़ गए दुनिया तब जरूर पूछेगी सवाल कि आखिर कौन थे कोरोना के यार गद्दार कोरोना को लेकर सौंपने वाली जानकारियां सामने आ रही है अब जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कोरोना का वायरस तेजी से अपने आप को बदल रहा वैज्ञानिक भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं पहले गले और स्वास्थ्य तंत्र पर हमला करने वाला कोरोना अब और ज्यादा खतरनाक होता है और वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है मरीज के दिल को निशाना बना आइए देखते हैं कि कैसे बदल रहा है कोरोना का वायरस तो तेजी से बदल रहा है कोरोना का ये वायरस ये अब वैज्ञानिक कह रहे हैं अब बुखार से पहले दिमाग पर असर कर रहा है कोरोना पहले बुखार होता था अब सीधा दिमाग पर असर कर रहा है कोरोना में दिमाग में सूजन और दिल के दौरे के मामले अब बढ़ते हुए मिल रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक दिमागी दौरे और दिमाग में खून के थक्के जमना इस तरह के लक्षण भी अब कोरोना की वजह से सामने आ सकते हैं संक्रमण का असर मरीज के बोलने की क्षमता पर भी पड़ रहा है यानी म्यूटेशन होने के बाद अब कोरोना ने अपना रूप भी बदल दिया गंध सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता लोगों की कम हो रही है जिनमें कोरोना के लक्षण पॉजिटिव पाए गए वही बात करें फेफड़ों की तो फेफड़ों के लिए वेंटिलेटर है दिमाग के लिए कुछ की है साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वायरस सिर्फ सांस नली तक ही सीमित नहीं है नर्वस सिस्टम को भी कोरोना निशाना बना रहा है उसे सांस नली तक ही इसका असर भी रहेगा अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहां भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है 15% मरीजों के मानसिक स्तर में बदलाव भी हुआ है और ये मैं हुए शोर में ये खुलासा हुआ है कि कोरोना का वायरस अब बदल रहा है उसके लक्षण अब धीरे धीरे बदलने लगे किसी भी मैसेज पर आप बंद कर विश्वास करने से पहले उसकी अच्छी तरह से पड़ताल जरूर कर लीजिए क्योंकि कानून की नजर में आपका फॉरवर्ड किया गया हर मैसेज आपके गुनाह की लिस्ट में गिना जाए ग्रुप के सभी सम्मानीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी पोस्ट को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया कोरोना पर सिर्फ सरकारी एजेंसी ही पोस्ट जब इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले खतरनाक वीडियो विवादों में तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को इस्लाम के नाम पर जागरूक करने की मुहिम भी शुरू हो गई ये तस्वीर के दूसरे पहलू की तरह है हाथ में लाउड स्पीकर लेकर ये मौलाना मुस्लिम बस्ती में जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना से सावधान रहना कितना जरूरी है हमारी सेहत की हिफाजत के लिए है कि बलाएं इस तरीके से फैली हुई दवाएं अगर हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे या बूढ़ों को बाहर निकलने के लिए लेके जाएंगे तो याद रखें इम्यून सिस्टम बड़ा कमजोर होता है और जिनको पहले से कुछ बीमारी है सेहत खराब है जिनकी बीपी है शुगर है वगैरह वगैरह इसको अटैक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा एक ऐसा जरासीम आया है अल्लाह की तरफ से है ये बला भी है आजमाइश भी है अजाब भी है ऐसे वक्त में घरों में रहकर अल्लाह की इबादत करें लगातार छापेमारी भी की जा रही है कई ऐसे लोग जो है मस्जिदों से मिले हैं उसमें विदेशी भी कई लोग हैं तो लगातार अपील की जा रही है लेकिन लोग जो है वो मरकज में जो शामिल हुए थे वो लगातार छपने की कोशिश कर रहे हैं और सामने नहीं आ रहे जिससे देश में कोरोना संक्रमण काफी ज्यादा फैल रहा है
और तो और कुछ जगह से खबरें आई कि ये कुछ जमाती डॉक्टरों और नर्सों से बदतमीजी कर रहे हैं। अजीबो गरीब तरीका तरफ तरफ से जाने के लिए अपनी बच्ची के साथ खेल रही।